Subscribe and press the bell icon for latest update. वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर तल्खी जग जाहिर हो गई है। हालांकि कई बार हिंदुस्तान ने अमेरिका से पाकिस्तान को लेकर विरोध जाहिर किया है, लेकिन अमेरिका हमेशा ही कूटनीतिक तरीके से दोनों मुल्कों के बीच हस्तक्षेप करने से बचता रहा। लेकिन अब अमेरिका ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, और इसी नब्ज को समझते हुए आखिरकार आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है अमेरिका को। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि बीते 15 सालों में पाकिस्तान को $33 अरब की सहायता मुहैया कराई गई, लेकिन बदले में हमें झूठ और छल के अलावा कुछ नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कट्टर पंथियों को सुरक्षित पनाह दी है। व्हाइट हाउस के सूत्रों ने जानकारी दी है कि $255 मिलियन यानी कि 1,600 करोड़ रुपए की फंडिंग को अमेरिका ने रोक दिया है। सूत्रों की माने तो ट्रंप के ट्वीट पर पाकिस्तान ने अमेरिका के राजदूत को तलब किया है। ट्रंप की कड़ी चेतावनी को भारत के नजरिए से काफी बेहतर माना जा रहा है। तो वही पाकिस्तान ने इस बात पर मंथन करना शुरू कर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को सच का पता चलना चाहिए ऐसा जवाब दिया है अमेरिका को। पाकिस्तान ने बौखलाते हुए कहा है कि हम इसका जवाब देंगे और दुनिया को सच्चाई बताएंगे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।